हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल SPST टेक में एक बार फिर से। दोस्तों, नोकिया अपना नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी तैयारियां वह शुरू कर दिया है। तो जी हां दोस्तों, नोकिया अपना नया स्मार्टफोन नोकिया C12 प्लस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस स्मार्टफोन के सभी स्पेक्स और फीचर्स के बारे में, साथ ही जानेंगे यह स्मार्टफोन इंडिया में कब और कितने प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, मैं आपका दोस्त सुमित के रावेल। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको यूनिसॉक SC9863A1 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो ऑक्टा कोर के चिपसेट पर आता है। साथ ही दोस्तों, आपको इसमें 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस एवरेज दिया गया है। वही दोस्तों, परफॉर्मेंस के बाद अब बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.3 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्लेजर लेस विथ वाटर नोज का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले भी अच्छा दिया गया है। वहीं दोस्तों, डिस्प्ले के बाद अब बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, तो इसके बैक साइड पे आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइमरी कैमरा 8MP का दिया गया है, जिससे आप फुल HD प्लस 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको LED फ्लैश लाइट मिल जाएगी। वहीं दोस्तों, फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 5MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का कैमरा सेटअप भी अच्छा दिया गया है, जिससे आप कमाल की फोटोग्राफी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, कैमरा सेटअप के बाद अब बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी की, तो इसमें आपको बैक साइड में 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में बैटरी की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वहीं दोस्तों, अब लास्ट में बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस और लॉन्चिंग डेट की, तो यह स्मार्टफोन आपको लगभग 7,999 रुपए के प्राइस में मिल सकता है। इसका एक्चुअल प्राइस इस स्मार्टफोन के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि यह स्मार्टफोन इंडिया में 12 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको नोकिया की तरफ से आने वाला यह स्मार्टफोन कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट्स को जो बताइए। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी नोकिया की स्मार्टफोन चलाते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस स्मार्टफोन की आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।